नमस्कार, आज हमारे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैंने पिज़्ज़ा की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बनाने में बहुत आसान है, खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ज़रूर आप भी एक बार बनाइए और खाइए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम सबसे पहले फ्लेम को चालू करेंगे। इस पे कढ़ाई रख देंगे, फ्लेम को अपने हाई रखेंगे। बराबर हीट रहने के लिए हम नमक डाल देंगे इसमें। ये नमक हमने कई बार यूज कर चुके हैं, चारों तरफ फैला देंगे। अब इसमें हम एक रिंग्स रखेंगे। आप चाहें तो इसके जगह कटोरा या कोई स्टैंड भी रख सकते हैं। बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। इसको हाई फ्लेम पे 5 मिनट प्री हीट होने देते हैं, तब तक ले अपना पिज़्ज़ा तैयार कर लेते हैं। अब एक हम प्लेट लेंगे। अब इसमें हम घी लगा लेंगे। एक हम बटर पेपर लेंगे, इसके ऊपर रख देंगे। बटर पेपर ऑप्शनल है, आप चाहें तो रख भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी हमारा पिज़्ज़ा बन के तैयार हो जाएगा। अब इसके ऊपर भी घी लगा देंगे। बटर पेपर यूज करने से चिपकता नहीं है, आसानी से हमारा पिज़्ज़ा निकल जाता है। अब हम पिज़्ज़ा के बेस लेंगे, इसके ऊपर रख देंगे। अगर आपको पिज़्ज़ा बेस बनाना हो तो हमने अपने वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उसे बना सकते हैं। अब इसके ऊपर 1.5 चम्मच शेजवान चटनी डाल देंगे। इसको चारों तरफ फैला लेंगे। एक चम्मच टमाटो सॉस डाल देंगे, इसको भी फैला लेंगे। अब इसके ऊपर मोजरेला चीज डाल देंगे चारों तरफ। अगर आपके पास मोजरेला चीज ना हो तो प्रोसेस चीज भी यूज कर सकते हैं। अब इसके ऊपर टॉपिंग डाल देंगे, ये हमारा गाजर है। अब इसके ऊपर शिमला मिर्च डाल देंगे। अब इसके ऊपर प्याज डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम टमाटर डाल देंगे। अब इसके ऊपर पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल देंगे। अब इसके ऊपर चिली फ्लेक्स डाल देंगे। पिज़्ज़ा में मुझे चीज़ बहुत पसंद है, तो फिर से मैं मुजरीला चीज़ थोड़ा सा ऊपर से डाल दे रही हूँ। अब ये हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से पिज़्ज़ा पकने के लिए तैयार हो गया है। अब चलते हैं हम पकाने के तरफ। 5 मिनट हो गए हैं, अब ढक्कन को हटा लेते हैं। ढक्कन को बिल्कुल सावधानी से हटा लेते हैं। अब इसके अंदर अपने पिज़्ज़ा को बहुत सावधानी से रखेंगे। हम इसमें सावधानी से पिज़्ज़ा को अपने रख दिए हैं। अब हम ढक्कन से हाई फ्लेम पे 15 मिनट के लिए ढक देते हैं। बीच में एक बार हम 10 मिनट के बाद चेक कर लेंगे। 15 मिनट हो गए हैं, ढक्कन को हटा के चेक कर लेते हैं। 15 मिनट हो गए हैं, वाह, देखिए कितना अच्छा हमारा पिज़्ज़ा बन के तैयार हो गया है। अब फ्लेम को हम ऑफ करते हैं, अपने पिज़्ज़ा को बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकाल के कम से कम 3 मिनट तक ठंडा होने देते हैं। देखिए कितना अच्छा हमारा पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ है, लग रहा ना बिल्कुल यमी यमी, टेस्टी टेस्टी। अब इसी तरह हम और भी पिज़्ज़ा तैयार कर लेते हैं। 3 मिनट हो गया है, अब पिज़्ज़ा हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया है। देखिए कितना अच्छा लाजवाब पिज़्ज़ा दिख रहा है ना। तो ज़रूर आप भी एक बार बनाइए।
और टेस्टी टेस्टी पिज्जा खाइए। इसको अब हम काट के भी दिखाते हैं। देखिए हमने पिज्जा काट लिया है, कितना अच्छा हमारा पिज्जा बन के तैयार हुआ है। तो ज़रूर आप भी एक बार बनाइए और खाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।